दोस्तों आज मैं एक वृक्ष के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ऊंचा और विशाल वृक्ष होता है जो छायादार भी होता है। इसकी पत्तियों का आकार नीम वृक्ष की पत्तियों के जैसा होता है, लेकिन ये पत्तियाँ नीम वृक्ष की पत्तियों से बहुत बड़ी होती है। संस्कृत में इस वृक्ष का नाम तूणी, आपिन, तूणिक और कांतलक है। हिंदी में तूण, तूणी और महानीम से जानते हैं। उड़िया में महानींबू कहते हैं, गुजराती में तूणी कहते हैं और पंजाबी में बिसरू कहते हैं, जबकि मराठी में तूणी और मलयालम में अफील कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम दतून ट्री है और वानस्पतिक नाम तूना सिलिएटा है। दोस्तों आपके क्षेत्र में इस महानीम के वृक्ष को किस नाम से जानते हैं ये जरूर बताएं। भारत में ये वृक्ष लगभग उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। भारत के अलावा ये पूरे एशिया में पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है। ये वृक्ष बहुत विशाल होता है। ये लगभग 80 से 90 फीट तक ऊंचा और सायादार होता है। इसके तने की छाल दरार युक्त होती है और इसे काटने पर एक विशिष्ट प्रकार की गंध निकलती है। इसके पत्र लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इसके पुष्प 5 पंखुड़ियों में होते हैं और ये हल्के पीले रंग के या श्वेत रंग के होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस वृक्ष के गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में मधुर, तीखा, कटु और कसीला होता है। ये शीत प्रकृति का, पचने में हल्का और पित्त शामक होता है। ये घाव, व्रण, कुष्ठनाशक और रक्तपित्त को मिटाता है। इसके अलावा ये खुजली, कंडू, हृदय रोग और गंठमाला में अधिक फायदेमंद होता है। ये रक्त दोष को दूर करने वाला, श्वेत कुष्ठ मिटाने वाला और शरीर की गर्मी को दूर करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके औषधीय फायदे के बारे में। अगर किसी को सिर में दर्द की समस्या होती है तो इस वृक्ष की छाल और पत्रों को ले लें और दोनों को पीसकर गुनगुना करके लेप लगाए। इस विधि से सिर का दर्द तुरंत मिटता है। अगर किसी को दस्त की समस्या है तो इसकी छाल का क्वाथ बनाए और इस क्वाथ को 10 से 15 मिली की मात्रा में खाली पेट पिलाए। इससे शीघ्र ही अतिसार मिट जाता है। दोस्तों अगर किसी को अंडकोश की वृद्धि हो रही हो तो ऐसे में इस वृक्ष के पत्तों के साथ तुलसी के पत्रों को मिलाकर रस निकाले और इस रस को गाय के शुद्ध घी में मिलाकर पका ले। जब ठंडा हो जाए तब अंडकोश पर इसका लेप लगाए। कुछ दिन लगातार ये प्रयोग करते रहने से अंडकोश की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों ये ठंडी प्रकृति का वृक्ष है, इसलिए ये मासिक धर्म में होने वाले विकारों को दूर करता है। महिलाओं में अगर किसी भी प्रकार की मासिक धर्म के दौरान गड़बड़ी होती है तो इसके पुष्पों का फांट बनाएं। इस फांट को 10 से 15 मिली की मात्रा में रोजाना पिलाएं। कुछ ही दिनों के प्रयोग से मासिक धर्म की गड़बड़ी दूर हो जाती है। दोस्तों ये ज्वर में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए इस वृक्ष की छाल का फांट बनाकर 10 से 15 मिली की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन कराएं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ज्वर मिट जाता है और ज्वर के साथ होने वाला दस्त भी दूर होता है। अगर किसी को शरीर में जीर्ण ज्वर की शिकायत रहती है तो इसका छाल क्वाथ बनाकर 2 से 3 दिनों तक पिलाए। इसके अलावा इसकी छाल के साथ लता करंज के बीजों को मिलाकर क्वाथ बनाएं और इस क्वाथ को 10 से 20 मिली की मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से विषम ज्वर दूर होता है। दोस्तों ये त्वचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होता है। इसके लिए इसकी छाल को पानी के साथ घिसकर लेप बनाकर फोड़े और फुंसियों पर लगाए। 3 से 4 दिनों तक ये प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में फोड़े फुंसियाँ दूर हो जाती है। अगर किसी को पाँव में मोच आ गई हो तो इसकी छाल को पीसकर गर्म करके मोच पर बांधे। इससे शीघ्र ही मोच में आराम होता है। चाहे कितना भी पुराना घाव हो, अगर न भरता हो तो इस वृक्ष की छाल का चूर्ण बनाकर घाव पर छिड़के। इससे जल्द ही घाव ठीक हो जाता है। अगर व्रण हो गया हो तो व्रण पर इसकी छाल को पीसकर लेप लगाए। इससे व्रण भी भर जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।